हम तोरण की पट्टी बनाने जा रहे हैं। तोरण की पट्टी बनाएंगे रेड कलर से, क्रीम कलर से। क्रूसिया का नंबर है 1.0 mm। तोरण की पट्टी बनाने से पहले हम आप लोगों से बोल रहे हैं, जो बहनें अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे हम कोई से भी वीडियो डालेंगे आप तक पहुंच जाएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक दो तीन, एक पहले हमने बनाया था वो भी, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। बीस चने हमने ले लिया, दो बार प्रेस कर दिए। जो बहनें अगर हमारी वीडियो को पसंद करती हैं और बनाती हैं, और वो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करी हैं, बबली पांडे क्राफ्ट एंड क्रिएशन। अगर वो आप लोग बना के अगर उसकी फ़ोटो देंगे तो हम अपने यूट्यूब पे स्टोरी पे लगाएंगे, इंस्टाग्राम के स्टोरी पे लगाएंगे। अब इसे देखिए, हमने 20 चैन ले लिया था, अब तीन चैन और एक्स्ट्रा लेंगे। एक दो तीन, डबल क्रोशिया करेंगे। अब जहाँ हमारा 20 यहाँ पे पूरा हुआ था चैन, यहीं से हम डबल क्रोशिया से बनाना शुरू करेंगे। अब हर एक फंदे में जो हमने चैन बनाया था डबल क्रोशिया, ये हम बना लेंगे। देखिए हमने ये डबल क्रोशिया ऐसे ही पूरा लाइन बनाएंगे। देखिए पूरा 20 चैन यहाँ पे बना लिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, एक चैन का 20। एक हमने तीन जो एक्स्ट्रा चैन लिया था, एक हमारे फंदे बन जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक फंदा नहीं बुनाई किया। आप लोग 19 चैन लेके भी बना सकते हो। एक दो तीन, तीन चैन हमने लिया डबल क्रोशिया। अब दूसरे वाले बुनाई करेंगे फंदे पे, दो हो गया, एक तीन एक चार। ये चार देखिए हमने फंदा बुनाई कर लिया। एक बार क्रोशिया हम लपेटा, फिर दो, फिर तीन, तीन बार लपेटे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है डिजाइन के लिए। एक दो तीन चार पाँच छठे में हमें इसको फंदे को बनाना है। देखिए एक निकालें, दो तीन, यहाँ पे चार। इसलिए हम आप लोगों को हर एक बात इसमें बताते हैं कि जिससे आप लोग आसानी से बना लो, आप लोगों का ख़राब ना हो। देखिए हम डबल क्रोशिया किए, अब इसी हम चैन में एक दो तीन एक चार। अगर आप लोगों का पतला ऊन हो तो चार बार ऐसे फोल्ड करना, नहीं तो तीन बार भी कर लेना आप लोग। देखिए ये हमारा बन गया मोती, ऊन की मोती हमारी बन के तैयार हो गई। एक अब देखिए, एक दो तीन, तीन बार हमने लपेटा, फिर इसी में से हम फंदे निकालेंगे। दो तीन ये चार, डबल क्रोशिया करके फिर हम मोती बनाएंगे। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर देखने में लगता है, बनता भी बहुत अच्छे से, जल्दी से बन जाता है। देखिए दो हमारे बन गए, फिर हम तीन बार क्रोशिया में लपेटें, फिर इसी वाले फंदे से बनाना शुरू किए। बहुत आराम से आप लोग बनाएंगे अस्थाई से तो ये आराम से बन जाएगा। देखिए एक दो तीन चार, हर बार ऐसे ही दबा लेना आप लोग, जिससे हमारे फंदे इधर उधर ना जाएं। ये हमारा तीन बन गया, एक दो तीन, तीन बार हमने लपेट लिया क्रोशिया में, फिर इसमें हम बनाएंगे।
ये डिजाइन देखने में भी सुंदर लगता है, बन भी आसानी से जाता है। और ऐसा बनने के बाद ऐसा लगता है हमने हैवी डिजाइन कोई बनाया है, अगला कोई दूसरा देखता है उसको ये लगता है कि हाँ इसने हैवी डिजाइन बनाया। हमारे चार बन गए, एक और अभी हमें बनाना है, एक दो तीन। ज़्यादा कोई इसमें मेहनत भी नहीं है, आराम से बन जाती है डिजाइन, देखने में भी हैवी लगता है। ये तीन हमारे बने थे, अब ये चौथे बन गए। सॉरी चौथे नहीं, पांचवी बन गए हैं, ये हमारा पांचवी बन के कंप्लीट होगा। ऐसे लग रहा है जैसे मुर्गा की केस के ऊपर जैसे हो, एकदम वैसे ही बन रहा है ये। फिर एक डबल क्रोशिया किए हैं, अब देखिए यहाँ से काउंटिंग कर लो क्योंकि हमें यहाँ पे फंदे बनाने हैं चार, एक दो तीन चार, या हमने फंदा एक बना दिया डबल क्रोशिया से, दो फंदे तीन फंदे। इस दीपावली पे आप लोग ज़रूर बनाना, दीपावली वगैरह में भी हैवी रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, फिर एक दो तीन। अब फंदे के ऊपर हमें चार फंदे बनाना है डबल क्रोशिया। अगर ये तोरण की पट्टी आप लोगों को पसंद आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि तोरण पट्टी के बाद हम इसकी तोरण बनाएंगे। और जो बहने अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे हमारी वीडियो आप लोग देख के बना सकें। फिर एक चैन, दो तीन चार पाँच, पांच चैन हम ले लिए हैं। ये पाँच चैन, या तो जैसे बहने हैं कोई लूज या टाइट लेती हैं तो छह चैन भी ले सकते हैं। और सिंगल क्रोशिया से ये देखिए दो इधर हमारे ये छूटे, दो इधर छूटे, बीच वाले में हम ये जो फंदे हैं इसी में हम सिंगल क्रोशिया बड़े आसानी से इसको बना लेंगे, बांध देंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच, पांच हमने फंदे बना लिए, फिर छह, छह फंदे बन गए। फिर ले आके हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इसे बांध देंगे। देखिए अब ये डबल क्रोशिया, अब चार फंदे हमें बनाने हैं। देखिए अब यहां से हम बीच फिर बनाते हुए चार फंदे जाएंगे, डबल क्रोशिया, अगर कोई से भी वीडियो आप लोगों को जैसे हमारे चैनल पे है आप लोग बनाएं और अच्छा लगा वो बना है तो हमें ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। हम एक बार और बता दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे बबली पांडे क्राफ्ट एंड क्रिएशन से। अब देखिए हमने चार फंदे यहाँ पे बना लिए, अब यहाँ हम रेड कलर लगाएंगे। देखिए चार फंदे बनाए थे, अब हम रेड कलर लगाएंगे, इसको ऐसे बांध देंगे ऐसे। ये वाले भी फंदे टाइट कर लेंगे, एक दो तीन, तीन बार हमने लपेट लिया। ये जो हमने फंदे यहाँ पे देखिए बीचों बीच इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाए थे, अब हम यहाँ से निकालना बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये बन गया, इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे जिससे हमारा लूज ना दिखे, अच्छे से आ जाए पैटर्न को। फिर उसके बाद ये ऊन कट कर देंगे, नहीं तो अगले बार थोड़ा सा कट करेंगे इसमें बुनाई कर देंगे जिससे निकले ना। इन एक दो तीन चार, ये थोड़ा सा ऊन देखिए मोटा है इसलिए इतना बड़ा ही निकल रहा है, इसीलिए हमने बोला जैसे थोड़ा सा मोटा रहे तो तीन बार भी आप लोग कर सकते हो। तीन बार हमने क्रोशिया लपेटा, अब सेम जैसे हमने क्रीम कलर बनाया था इसको भी बना लेंगे। एक दो, ये देखिए हम तीन का जैसे तीन फंदे में ही बांध दिए हैं तब भी इसकी तरह मोटा दिख रहा है। तीन बार लपेटे, कोई ज़्यादा हार्ड डिजाइन नहीं है, हम इसलिए बताते हैं कि आराम से सभी बना ले और देखने में भी अच्छा लगे।
आप लोग प्लीज़ ये तोरण बनाना ज़रूर, और दीपावली में ये घर सजाओगे और देखने में ये कलर जो हम बताते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। आप लोग अपने चॉइस के हिसाब से भी कलर डाल सकते हो। तीन बार हमने किया, क्रोशिया में लपेट लिया, फिर ऐसे करके हम फंदे बनाना शुरू किए। देखिए ये हमारा चार बन गया। ये हमारे पांच बन गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसके आगे हम क्रीम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे ये लास्ट तक यही बेस जाएगा क्रीम कलर से, ये रेड वाला नहीं लगाएंगे। इसको जब हम फंदे लेंगे ऐसे तो क्या करेंगे, जो क्रीम कलर का है थोड़ा सा ढीला इसे कर देंगे जिससे कोई सुकड़न ना आए। देखिए अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया इसे बना लेंगे, कोई सुकड़न ना आए, आराम से हमारे बन जाए, नहीं तो खिंचाव खिंचाव रहेगा तो वो ठीक नहीं लगता है, हल्का सा मुड़ा मुड़ा दिखता है। देखिए अब सीधा कर लिए हैं। अब जो हम ये चैन क्रीम कलर से इसको करके हम बांधे थे ऐसे ही हम एक क्रीम कलर ऊपर बनाएंगे फंदे करके। एक बार हम आपको और दिखा दे रहे हैं इसे, डबल क्रोशिया फंदे को बनानी है। एक दो तीन चार पाँच, पाँच हम बनाएंगे, कम पड़ेगा छः। ये यहाँ पे फंदे सिंगल क्रोशिया ऐसे ही आराम से बांध लें, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, फिर ले आके हम यहाँ पे बांध लेंगे, फिर हम डबल क्रोशिया फंदे बना लेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आया करे आप लोग हमें कमेंट करके बताना ज़रूर। देखिए ये डिजाइन बनके दोनों तैयार हो गए हैं। ऐसे ही हमें पूरी पट्टी, आप लोगों का जितना बड़ा गेट है उतना बना लेना। हम 36 इंच बनाएंगे अपने गेट के हिसाब से, 3 फीट का गेट है। हम हर तोरण की पट्टी में या तोरण में बताते हैं आप लोगों को, हम फुल साइज तोरण बनाते हैं। हम अपने गेट के बराबर पट्टी बना लिए हैं। अब जो ये बॉर्डर हमने बनाया था एक लाइन का 20, ये जो चैन है डबल क्रोशिया का, अब हमें यहाँ पे 20 चैन 20 डबल क्रोशिया बनानी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात दो चार छः आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह
19, ये लास्ट वाले में जो चैन हम लेते हैं 20, एक और चैन लेके इसे हम उनको तोड़ देंगे। अभी हमारा बॉर्डर भी बन गया, एक पैटर्न भी यहाँ पर लास्ट में निकल आया, हमारी पट्टी बन के तैयार हो गई। अब पट्टी का हम बॉर्डर बनाएंगे। ये हमारा बन गया है, यहाँ पे हमने एक लाइन डबल क्रोशिया से 20 यहाँ पे फंदे बना लिए थे, फिर उसके बाद हम एक लाइन और उसी पे बना ली है। ये हमारा दो इधर हो गया, क्योंकि एक बॉर्डर की वजह से जो हम अपना शेप दिए थे डिजाइन का, इसकी वजह से दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने एक लाइन और बनाया। ये हमारी पट्टी बन के तैयार हो गई है, 36 इंची की है। इसका हम बॉर्डर बनाने अब जा रहे हैं, बॉर्डर बनाएंगे हम रेड कलर से। चलिए बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं। बॉर्डर हम बनाते हैं, अगर हम ये चार फंदे भी ना डालते तो बीच में एक पैटर्न ऐसे ऐसे करके दे देते, मगर वो जब तोरण बना के अगर रियलिटी में टांगोगे तो वो मजबूती नहीं आती है, इसलिए हम ये नहीं बनाए। जो चीज़ हमें लगता है कि जैसे हम तोरण बनाएंगे मजबूती रहेगी, तो वही हम अपने बहनों को बताएं, जिसे वो इतनी मेहनत करके बनाती हैं और उनका मेहनत बेकार न जाए। उतना जितना हम बनाते हैं, जिस हिसाब से बनाते हैं, हम वैसे ही तोरण अपने घर में लगाए हैं। पहले भी बना के लगाते थे, जब हम यूट्यूब नहीं ज्वाइन किए थे, वो हमारे तोरण पता नहीं कितने सालों से हम यूज करते हैं, उसको धुलते हैं, वो ख़राब नहीं होता है और ना फंदे निकलते हैं। हमने तीन यहाँ ज्वाइन करके रेड कलर तीन चैन लिया है। अब यहाँ पे नहीं लेंगे, हम एकदम कोने से बनाएंगे, यहाँ से जो चैन हमने लिया था यहाँ से हम बना लेंगे। एक इधर कर ले रहे हैं, बंध जाए जिससे ये निकले ना, एक बार और कर दूँ। तीन हमने चैन ले लिया है, ले आके हम सिंगल क्रोशिया, अब फिर यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे, दो तीन। अब हर पैटर्न के जहाँ हमारे जैसे ये फंदे ख़त्म हुआ था, हम उसमें ले आके ऐसे जॉइंट कर देंगे। इससे क्या होता, हम ये वाला डिजाइन जब चार फंदे या पांच फंदे इधर भी हम बना लिए, हमारा ये भी सपोर्ट रहता है, फिर उसके बाद हम जब चैन से बांधते हैं तो हमारे ये तोरण एकदम बंधे रहते हैं, ना तो ज़्यादा लपते हैं ना तो ज़्यादा खींचते हैं, और बाइंडिंग बनी रहती है। जैसे कोई वो आउटलाइनिंग वैसे ही दिखती भी है, रियल में आप लोग बनाओगे तो खुद ही दिखेगी। दो तीन, तीन चैन करके फिर ऐसे ही हर फंदे के लास्ट में ऐसे ही बांध लेना है। अभी हम पूरा इसको बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। हमारा यहाँ तक बॉर्डर बन के तैयार हो गया है, एक चैन हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं यहाँ पे। अब इसको ऊन को तोड़ देंगे, यहाँ से इसको निकाल के नीचे कर लेंगे। कैसा लगा ये हमारे तोरण की पट्टी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।